मगरौनी में जैन धर्मशाला के पास युवक ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर मीटर के साथ तोड़फोड़ की। थाने में प्रकरण दर्ज। नरवा थाना अंतर्गत नगर मगरौनी में जैन धर्मशाला के पास विद्युत मीटर लगाने गए विद्युत कर्मचारियों के साथ युवक ने अभद्रता कर मीटर के साथ तोड़फोड़ कर दी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारी सहायक प्रबंधक वितरण केंद्र मगरौनी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने बीते दिन शाम को प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को मगरौनी में जैन धर्मशाला के पास मीटर बदलने का कार्य चल रहा था। इस दौरान बलबीर सिंह पुत्र रंजौर जाधव, जिसका कनेक्शन क्रमांक 2572003128 है, जिसकी बकाया राशि 5720 है, जिनका खराब मीटर बदलने का कार्य चल रहा था। इस दौरान राहुल ओहरी पुत्र गोवर्धन लाल ओहरी, सहायक प्रबंधक विद्युत वितरण केंद्र मगरौनी, विद्युत कर्मचारी नरेश कुशवाहा, नन्हे रावत, नवल कुशवाहा पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र पुत्र बलबीर जाधव ने उम्र 22 साल द्वारा मीटर लगाने से मना कर दिया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए लात मारते हुए मीटर का ढक्कन तोड़ दिया और सभी के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता की, जान से मारने की धमकी दी। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने सहायक प्रबंधक वितरण केंद्र मगरौनी के साथ नरवर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट पर पंजीकरण कर प्रकरण को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। नरवर से कृपाल सिंह सोलंकी की। सर, जो आपके साथ घटना हुई है, किस जगह की घटना है और किसने की है, क्या पूरी घटना है? एक्चुअली बात यह है, 27 तारीख की बात है, 27 जुलाई जी शाम को 4:30 बजे के आसपास की घटना है जी। सर, हम क्या मीटराइजेशन का कार्य कर रहे थे जी, मीटर लगाने का कार्य करते करते हम बलबीर जाधव के यहाँ पहुँचे जी, मगरौनी, हाँ, जिनका मीटर खराब था जी। तो वहाँ जैसे ही मीटर लगाने वहाँ पहुँचे जी, जैसे ही उनका लड़का नरेंद्र जाधव आया, उसने मीटर पे लात मार दी और हमें मीटर लगाने से रोका उसने, और मीटर लगाने से मना कर दिया पूरा, गाली गलौज करने लगा हमसे, उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई जी। उसी दौरान हम लोग थाने पहुँचे जी, FIR की हम थाने पहुँचे और पुलिस द्वारा हमारा सहयोग ये, इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? आवेदन अभी दर्ज कर लिया है, आवेदन दिया आपने, FIR हो चुकी है, जांच पुलिस आएगी जी, आश्वासन दिया उन्होंने। आगे आप क्या चाहते हो? आगे यही चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।